हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी द किलिंग ऑफ ए सेक्रेड डियर। शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मूवी स्टार्ट होते हम देखते हैं स्टीवन एक ओपन हार्ट सर्जरी कर रहा है। सर्जरी के बाद वो अपने जूनियर डॉक्टर से बात करता है। वो दोनों वॉच के बारे में बात करते हैं। स्टीवन फिर मार्टिन से एक रेस्टोरेंट पे मिलता है। स्टीवन उसका मेंटर था और वो उसके लिए एक वॉच लेकर आता है। स्टीवन फिर अपने घर जाता है डिनर करने। उसका छोटा बेटा उससे पूछता है क्या वो पार्टी पे जा सकता है अपनी बहन के साथ। स्टीवन फिर उससे कहता है कि अगर वो बाल कट करेगा तो वो जा सकता है। स्टीवन की वाइफ फिर उससे परमिशन देने के लिए कहती है। स्टीवन अपनी वाइफ से कहता है कि वो मार्टिन के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है क्योंकि उसे हार्ट का डॉक्टर बनना है। उस रात उसकी वाइफ उसे सेड्यूस करती है और रात में दोनों करते हैं। अगले दिन एक फंक्शन में स्टीवन स्पीच देता है जो सबको अच्छी लगती है। स्टीवन फिर मार्टिन को डिनर पे बुलाता है। मार्टिन थोड़ा वियर्ड होता है। हमें पता चलता है कि मार्टिन के फादर का 10 साल पहले कार एक्सीडेंट हुआ था और अब वो अकेले रहता है अपनी मॉम के साथ। मार्टिन स्टीवन के बच्चों के साथ हैंगआउट करता है और किम के रूम में जाता है और उनसे पूछता है कि वो क्या करती है। किम कहती है कि उसे सिंगिंग पसंद है और स्कूल के लिए प्रेयर्स गाती है। किम और मार्टिन दोनों वॉक पे जाते हैं और किम उसे एक गाना सुनाती है। किम और मार्टिन अच्छे दोस्त बनने लगे। अगले दिन स्टीवन हॉस्पिटल से निकलता है और देखता है मार्टिन उसे फॉलो कर रहा है। मार्टिन उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है अपने घर। स्टीवन फिर शाम को उसके घर जाता है और डिनर के बाद वो मार्टिन की फेवरेट मूवी देखता है घर पे। मार्टिन फिर सोने चला जाता है और स्टीवन और उसकी मॉम बात करते हैं। मार्टिन की मॉम बोलती है कि वो स्टीवन को जानती है क्योंकि उसके हस्बैंड का ऑपरेशन उसी ने किया है। वो स्टीवन के साथ फ्लर्ट करने लगी और उसके हाथ को किस करने लगी। स्टीवन को ये सब अच्छा नहीं लगता है तो वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मार्टिन स्टीवन को कॉल करता है और उसे रेस्टोरेंट में मिलने के लिए कहता है पर स्टीवन उसे मना कर देता है। अगले दिन बॉब को स्कूल के लिए लेट हो रही थी तो स्टीवन उसे बेड से उठने बोलता है पर बॉब अपने पैरों को फील ही नहीं कर पा रहा था। बॉब अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसे फिर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उसके सारे टेस्ट होती है और उसके सारे टेस्ट पॉजिटिव आते हैं। बॉब को क्या हुआ डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे। बॉब फिर चलने लगा था और हॉस्पिटल से बाहर जाते टाइम वो बेहोश हो जाता है। वो वापस से अपने पैर फील नहीं कर पा रहा था। अगले दिन मार्टिन आता है बॉब से मिलने हॉस्पिटल में। मार्टिन स्टीवन से कैफे में मिलने कहता है। कैफे में मार्टिन बताता है कि उसके फादर की डेथ ऑपरेशन के टाइम में हुई थी और स्टीवन को ही वो अपने फादर का किलर मानता है। वो बोलता है कि स्टीवन ने उसकी फैमिली मेंबर को मारा है तो उसे भी अपने एक फैमिली मेंबर को मारना होगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी सारी फैमिली मारी जाएगी और कोई भी पैर उसे नहीं कर पाएगा और वो लोग कुछ नहीं खाएंगे और उनकी आंखों में से खून निकलेगा और वो लोग मारे जाएंगे। फिर मार्टिन वहां से चला जाता है। स्टीवन बॉब से मिलने जाता है और उसे कुछ खाने के लिए कहता है पर बॉब कुछ नहीं खाता है। स्कूल में किम सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रही थी और वो बेहोश होकर गिर जाती है। किम को भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। किम खाने से भी मना कर देती है। हॉस्पिटल में दोनों के ऊपर टेस्ट होती है और दोनों बहुत ही फिट हैं टेस्ट के हिसाब से। स्टीवन अपनी वाइफ एना को मार्टिन की बात बताता है। एना उससे पूछती है कि क्या उसने ऑपरेशन के टाइम ड्रिंक किया था, जिस पर स्टीवन कहता है कि शायद, पर ऑपरेशन रूम में जो भी डेथ होती है उसमें सर्जन की गलती नहीं होती है पर वो जूनियर की गलती की वजह से होती है। एना फिर जूनियर डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर कहता है कि उसे शायद याद है स्टीवन उस दिन ड्रिंक कर रहा था। डॉक्टर कहता है कि किसी की भी डेथ होती है तो उसकी गलती नहीं होती है पर सर्जन की होती है। एना फिर उसे कार में सेटिस्फाई करती है उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए। एना हॉस्पिटल में होती है और किम को मार्टिन का कॉल आता है। मार्टिन उसे विंडो पे आने के लिए कहता है और कहता है कि वो नीचे रुका है। अचानक किम खड़ी हो गई और विंडो पे चली गई उसे देखने पर वो वहाँ नहीं था। किम फिर बेड तक चलते चलते गिर गई और वापस से उसके पैर रुक गए। वो लोग डिसाइड करते हैं कि बच्चों को अब घर पे रखते हैं और हॉस्पिटल से वो लोग डिस्चार्ज ले लेते हैं। एना मार्टिन को मिलने चाहती है। मार्टिन कहता है कि उसके डैड को स्टीवन ने मारा है तो एना उसे कहती है कि उसकी वजह से बच्चों को क्यों जान देनी पड़े अपनी। मार्टिन कहता है कि जब से उसके फादर गए हैं स्टीवन उसकी मॉम से फ्लर्ट करता है और दोनों एक दूसरे के लिए सही रहेगा। घर पर स्टीवन मार्टिन वाली बात सबको बता देता है और सब लोग अच्छे से बात करते हैं। स्टीवन से बॉब अपने बाल कट कर देता है और कहता है कि उसे भी डॉक्टर बनना है। फिर स्टीवन एना को बेसमेंट में लेकर जाता है
जहां उन्होंने मार्टिन को बंद कर रखा था। स्टीवन उसे मना करने लगता है और उसे कहता है कि ये सब बंद करना। रात को जब सब लोग सो जाते हैं तो किम मार्टिन के पास जाती है और उसकी रस्सी खोल के उसे कहती है कि वो वापस से अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती है, जैसे वो दोनों साथ में भाग सके। स्टीवन और एना उठ जाते हैं और देखते हैं किम अपने बेड पे नहीं है। वो उसे ढूंढने लगते हैं। वो बेसमेंट में जाते हैं उसे ढूंढने, पर वो वहां भी नहीं थी। वो मार्टिन से पूछते हैं कि उसने क्या किया है किम के साथ। वो लोग रोड पे जाते हैं किम को ढूंढने और उन्हें किम रास्ते पर मिलती है और उसके नीज से खून निकलता है। स्टीवन उसे मेडिसिन लगाता है और किम उनसे माफी मांगती है। अगले दिन एना ने मार्टिन को जाने दिया और बॉब की आंखों में से खून आने लगा। स्टीवन को अभी डिसाइड करना था कि उसे क्या करना है। वो अपने फैमिली मेंबर को बांध देता है और उनके फेस कवर कर देता है। वो उनको सर्कल में बिठा देता है और खुद सेंटर में गन लेकर खड़ा हो जाता है। वो अपनी आंखें भी कवर कर देता है और गोल गोल घूमकर गन फायर करता है। वो रैंडमली गन फायर करता है और वो गोलियां फर्नीचर पे ही लगती हैं और लास्ट बुलेट बॉब को लग जाती है। नेक्स्ट डे किम, एना और स्टीवन रेस्टोरेंट पे जाते हैं खाना खाने, जहां वो मार्टिन से मिल जाता था। मार्टिन वहां आ जाता है और उन्हें देखता है। स्टीवन की फैमिली वहां से उठती है और चली जाती है। दी एंड। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।